सो हेलो वेलकम गाइस टू माय चैनल क्रिक्सी गेमिंग। तो मैं हूं क्रिस नेस, आपका दोस्त, इस चैनल का होस्ट। तो गाइस आज मैं आप लोग को देने वाला हूं एक पिक्सलमोन मोड। हाँ गाइस, इस पिक्सलमोन मोड में आप लोग को बहुत सारी चीजें हैं जो कि मस्त मस्त देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले तो यहाँ पर पॉकीबॉल की रेसिपी चेंज हो गई है और इस मोड को आप लोग बहुत सारे बंदे जानते हो, ठीक है, बट इस मोड में बहुत सारी नई नई चीजें आई हैं और बहुत सारी मस्त मस्त चीजें भी आई हैं, तो सब कुछ मैं बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि इसमें पॉकीमोन के टेक्सचर सही कर दिए गए हैं, साथ ही साथ इसे लेटेस्ट वर्जन में आप लोग प्ले भी कर सकते हो और भी बहुत कुछ है इसमें जो कि आगे आप लोग को मैं बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, और बहुत दिनों से मैं पिक्सलमोन की वीडियो नहीं डाल रहा था तो भाई जल्दी से लाइक कर दो, नीचे बटन है ठीक है, लाइक कर दो वहां से। एंड इसी के साथ सब्सक्राइब, अगर मतलब अनसब्सक्राइब आपने कर दिया है तो वापस से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहां पर अब ऐसी वीडियोस और भी बहुत ज्यादा मिलने वाली आप लोग को। और आप लोग को पता ही होगा मैं बहुत टाइम से वीडियोस नहीं डाल रहा हूं, तो मैं इतना रोना नहीं रोता हूं, मैं सीधा आप लोग को लेकर चलता हूं अपने माइनक्राफ्ट के ऊपर। एंड यहां पर आप लोग जैसे कि देख सकते हो, ये रहा अपना माइनक्राफ्ट, ये रहा अपना कैरेक्टर, और आज हम लोग देखने वाले हैं पिक्सलमोन मोड। तो चलो भाई। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो मैं क्रिएट न्यू वर्ल्ड कर रहा हूँ, एंड इसी के साथ यहाँ पर वर्ल्ड नेम में हम लोग लिख देते हैं पिक्सलमोन। ओके वेट, गलत हो गया भाई, पिक्सलमोन। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैंने पिक्सलमोन लिख दिया है, और ये क्या है भाई, पैरेलमोन। हाँ, तो यहाँ पर इजी नॉर्मल कर लेते हैं हम लोग। एंड यहाँ पर रिसोर्स पैक में हम लोग को ये दो फाइल एक्टिवेट करनी पड़ेगी, एंड यहाँ पर भीयर पैक में हम लोग को ये दो फाइल एक्टिवेट करनी पड़ेंगी। ओके, तो यहाँ पर कुछ भी एक्टिवेट नहीं है, तो इसे हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं, इसे हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं। एंड इसी के साथ यहाँ पर रिसोर्स पैक में हम लोग ये वाला एक्टिवेट कर देते हैं, और देख पा रहे हो यहाँ पर, तो ये आर वाले को आप लोग ऊपर रख देना, एंड इसी के साथ बियर पैक में आप लोग बी वाले को ऊपर रख देना। ओके, ऐसे रखना होता है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो यहाँ पर हम लोग सेटिंग में देख लेते हैं, यहाँ पर आप लोग को कौन सा जनरेशन यूज़ करे वो कर सकते हो, बट आप लोग डिफॉल्ट यहाँ पर सर्प रहने देना। एंड इसी के साथ यहाँ पर आप लोग को बियर पैक में जाकर भी सेटिंग करनी पड़ेगी, जो कि है एड वनीला मॉब्स। ओके, तो ये करने के बाद आप लोग को कुछ नहीं करना, आप लोग को सीधा नीचे जाना है, यहाँ पर आप लोग को ये पूरा ऑन कर देना है, एड ऑन क्रिएटर्स। ओके, तो यहाँ पर इसे हम लोग ऑन कर देते हैं, एंड इसी के साथ इसको और मतलब देख सकते हो यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया। ये तीनों आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो, वरना नहीं चाहोगे तो नहीं भी करना, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। एंड यहाँ पर चीट पे जाके आप लोग चीट्स को भी एक्टिव कर देना, ठीक है। एंड इसी के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना, यहाँ पर आप लोग क्रिएट कर देना। ऑलराइट, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो अपना माइनक्राफ्ट जो है यहाँ पर लोडिंग होना स्टार्ट हो चुका है, और मैं आप लोग को पूरा दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर क्रैश तो नहीं कर जाता है या फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाती है ना, मैं सब कुछ अच्छे से आप लोग को बताने वाला हूँ। तो भाई जल्दी से, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दो, एंड लाइक तो करना ही करना। और यहाँ पर आप लोग जैसे कि देख सकते हो अपना माइनक्राफ्ट यहाँ पर लोड हो चुका है, एंड यहाँ पर माइनक्राफ्ट चेंज भी हो चुका है नाम ऐसा के ऊपर, आप लोग देख सकते हो। एंड यहाँ पर थोड़ी ही देर में, मतलब थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना गाइस, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल गेम प्ले हमने ऑन किया है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ पर पॉकीमोन रिस्पॉन्ड भी होने लगते हैं तो उसमें भी टाइम लगता है। साथ ही साथ मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ इसमें कि आप लोग को मतलब बहुत सारी नई चीज़ें आई है, लाइक यहाँ पर आप लोग को यूआई तो पूरा का पूरा अलग मिलने वाला है, पॉकीमोन को मतलब बाहर निकालने का सिस्टम भी अलग है, पकड़ने का एनिमेशन भी अलग कर दिया है इन लोगों ने, एंड बहुत सारी चीज़ें की है गाइस। तो मतलब भाई नहीं किए हो तो लाइक कर दो जल्दी से, मैं सब कुछ बता रहा हूँ ना, तो अच्छे से मतलब कर दो, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस, अपना जो पिक्सलमोन मोड है वो स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, ये रहे अपने प्रोफेसर ओक। भाई देखने में तो बड़े हैंडसम लग रहे हैं, बट देखते हैं ये कौन कौन से पॉकीमोन देते हैं हम लोग को। हेलो एंड वेलकम, भाई मेरा कॉपी हो रहा है क्या, हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं भी बोलता हूँ ना, हाँ, हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉकी ड्रॉक, माई नेम इज ओक। But people call me Professor Pokemon. In this video, place inhabited strange and fascinating creatures called Pokemon. Some people see them as pets, but others see them as a partner in combat. I, however, dedicate myself to studying them as a profession. Here we go. Choose a generation and starter Pokemon to get started. Okay, तो यहाँ पर हम लोग को Pokemon choose करना पड़ेगा, तो I accept और क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग को तीन generation देखने को मिलते हैं, इन तीन में से हम लोग को एक ही Pokemon select करना पड़ेगा, तो वो कौन सा खुशनसीब पॉकीमोन होने वाला है वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जनरेशन वन में चलते हैं हम लोग, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पांच पॉकीमोन मिलते हैं भाई। वैसे आपने पॉकीमोन में देखा होगा कि तीन ही मिलते हैं, बट यहाँ पर आप लोग को पांच मिलते हैं। वेट अ सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर जनरेशन टू में जाऊँ तो भाई जनरेशन टू मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, और अगर आप लोग को चाहिए कि तीनों इंस्टॉल करके मैं बताऊं तो वो भी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस मैं आप लोग को अपडेट के लिए दिखा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर जनरेशन वन पे चलते हैं हम लोग, एंड यहां पर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं चार्मेंडर, तो नहीं करूंगा, यहां पर मैं पिकाचू करता हूं। ओके, तो ये रहा अपना प्यारा सा पिकाचू, एंड आई एक्सेप्ट। ऑल राइट, तो हम लोग को यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो गाइज, यहाँ पर देख सकते हो हम लोग को यहाँ पर पिकाचू मिल चुका है,
एंड पिकाचू के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं आप लोग को पता ही होगा, मतलब मजे कर सकते हैं, फनी चीज़ें बहुत सारी कर सकते हैं और इसमें हम लोग पॉकेमॉन को पेट भी कर सकते हैं और मैं सब कुछ बताता हूँ रुको। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हम लोग देखने वाले हैं अपना जो पॉकेटएक्स है, इसका नाम पता नहीं इन्होंने कॉम्पास रख दिया है क्यों, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका काम वही पॉकेटएक्स की तरह होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले तो एक बार इसको होल्ड करना है, ठीक है। होल्ड करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा व्हाट आर यू अप टू, पॉकेमॉन पॉकेटएक्स क्रिस्नास मतलब जो मेरा नाम है एंड प्लेयर्स, ओके। तो यहाँ पर आप लोग अब मल्टीप्लेयर इसमें खेल सकते हो, साथ ही साथ यहाँ पर आप लोग मैं दिखा दूँ पॉकेमॉन, तो पॉकेमॉन देख रहे हो अभी सिलेक्ट नहीं किया हमने, लाइक आप लोग को फिर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर अपने स्लॉट में हम लोग को करना होगा ऐड, तो वो कैसे होने वाला है वो भी मैं बताता हूँ, बट उससे पहले यहाँ पर पॉकेटएक्स में चलते हैं एंड यहाँ पर जनरेशन वन में चलते हैं और यहाँ पर मैं आप लोग को मस्त चीज़ दिखाने वाला हूँ भाई। तो यहाँ पर जितने भी पॉकेमॉन है भाई इस जनरेशन के वो सब का यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा जैसे कि देख सकते हो। तो यहाँ पर अभी हमने पिकाचू को लिया था, तो पिकाचू ये रहा, तो इसको पिकाचू को हम लोग देख लेते हैं, देख सकते हो भाई सब कुछ यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि ये कहाँ मिलते हैं कैसे मिलते हैं सब कुछ, मतलब सब कुछ एवरीथिंग आप लोग को पता चल जाने वाली है। तो यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखने वाले हैं अपना जो ये प्लेयर कार्ड है, ये अपना प्लेयर कार्ड है आप लोग जैसे कि देख सकते हो। यहाँ पर हम लोग के पास पिकाचू है और हम लोग यहाँ पर 5 पॉकेमॉन रख सकते हैं, ये हमारे पास कुछ पैसे हैं एंड इसका पता नहीं ये क्या है भाई, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर अपना नाम भी देखने को मिल जाएगा, आईडी नंबर भी देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग प्लेयर्स में चलते हैं, यहाँ पर आप लोग जितने भी मल्टीप्लेयर खेलोगे तो यहाँ पर सारे के सारे आ जाने वाले हैं, लाइक आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर ऐसे क्लिक करोगे उसके पास आप लोग इंटरेक्ट कर लोगे, बातचीत कर सकते हो उनसे, बहुत सारी चीज़ें इसमें आप लोग इजिली कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ हम लोग क्या देखने वाले हैं कि हम लोग को पॉकेमॉन पकड़ना कैसे है, बट उससे पहले मैं आप लोग को और एक चीज़ दिखाता हूँ। वेट, यहाँ पर एक पॉकेमॉन है हमारे सामने जो कि है बाल्बासोर, और बाल्बासोर वैसे बहुत ज़्यादा ही रेयर होता है, तो चलो बाल्बासोर के पास चलते हैं हम लोग एंड इस बाल्बासोर की भैंस की आँख रुक जाएगा नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं ये पॉकेबॉल ले लेता हूँ चुपके से भाई, उसको चुपके से पकड़ेंगे, ये ले। अबे यार वेस्ट क्यों हो रहा है, वेस्ट मत हो। ऑल राइट, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो ये पत्ती कहाँ से आ गई भाई मुंह के सामने, तोड़ दियो पकड़ियो मत, गुड। तो यहाँ पर देख सकते हो भाई अपना पॉकेबॉल जो है वो वेस्ट नहीं हुआ है, तो ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे एंड इसको यहाँ से सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग और मैं आप लोग को एनिमेशन दिखाता हूँ। यहाँ पर एनिमेशन क्या तगड़े कर रखे हैं इन लोगों ने, लाइक आप लोग को मैं दिखाता हूँ, वेट अ सेकेंड। ऑल राइट, तो भाई यहाँ भाई जो मैं दिखाना चाहता हूँ वो क्यों नहीं दिख रही है, लो यार। अबे यार फिर से मैंने वहीं फेंक दिया। वेट गाइस, यहाँ पर मैं आप लोग को अच्छे से पकड़ कर दिखाता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दिया है, अबे रुक जाया पत्ती के पास ही वो जा रहा है। अबे बाल्बासोर पागल है क्या, तेरा मुंह फोड़ देना है मैंने। अबे यार नमूना, रुक। ऑल राइट, जा पॉकेबॉल गो पॉकेबॉल। ऑल राइट गाइस, तो ये एनिमेशन की मैं बात कर रहा था और इसको दिखाने में मेरी हालत की ऐसी की तैसी हो रखी है। तो यहाँ पर ये पकड़ाएगा नहीं मुझे पता है, तो यहाँ पर ये पकड़ाएगा नहीं मुझे ये बात पता है, क्योंकि इसको हम लोग को सबसे पहले तो डैमेज करना पड़ेगा। तो अपना जो पिकाचू है उसको हम लोग लाते हैं सबसे पहले और मैं बताता हूँ उसे बाहर कैसे लाना है आप लोग को, ओके। तो यहाँ पर थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। तो गाइस देख सकते हो ये रहा अपना कैरेक्टर एंड यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले अपना पॉकेटएक्स ले लेना है हाथ में एंड उसके बाद आप लोग को क्राउच करना है। क्राउच करने के बाद ऊपर जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये एक नया मतलब यहाँ पर आ चुका है एंड यहाँ पर आप लोग को जो भी पॉकेमॉन चाहिए ना गाइस उस पर आप लोग को यहाँ पर प्रेस कर देना है, ओके। तो यहाँ पर होल्ड जैसे ही करोगे आप लोग का पॉकेमॉन आएगा एंड यहाँ पर देख सकते हो भाई यहाँ पर आप लोग टेकआउट करना एंड यहाँ पर अपना पिकाचू देख सकते हो बाहर आ चुका है एंड इसी के साथ यहाँ पर फिर से क्लिक करोगे हम लोग तो यहाँ पर क्राउच करके हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर से इसे रिटर्न कर सकते हैं हम लोग। ऑल राइट, तो ऐसे क्राउच करना है आप लोग को देन आप लोग को होल्ड करना है, ओके। इतना करने के बाद आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे जैसे ही हो जाएगा तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर क्राउच करना है, यहाँ पर होल्ड करना है आप लोग को एंड यहाँ पर आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। ऑल राइट, तो यहाँ पर मैंने पिकाचू को बाहर निकाल लिया एंड इसी के साथ पिकाचू को मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये रहा अपना पिकाचू एंड यहाँ पर आप लोग पॉकेटएक्स हाथ में ले लेना एंड पिकाचू के पास जैसे जाओगे एंड क्लिक करना यहाँ पर तो यहाँ पर आप लोग को ऑप्शन मिलेगा पैट टू शोल्डर रिमूव ऑब्जेक्ट यहाँ पर चेंज निकनेम। तो यहाँ पर पैट पर क्लिक करते हैं हम लोग तो हमारे से मतलब थोड़ा सा वो हो गया, फ्रेंडली टाइप हो गया। तो यहाँ पर फिर से क्लिक करते हैं टू शोल्डर करते हैं हम लोग एंड देख सकते हो भाई अपना पिकाचू यहाँ पर शोल्डर पे आ चुका है। भाई इसका मुंह कहाँ गया, अबे तेरा मुंह कहाँ है पिकाचू, थोड़ा शर्मिला टाइप का है, देख सकते हो मेरे हेड में वो अपना मुंह छुपा रहा है, अबे मुंह निकालना। और यहाँ पर आप लोग क्राउच करोगे तो ये उतर जाएगा, देख सकते हो उतर चुका है हम लोग के शोल्डर से एंड ऐसे ही करके आप लोग प्ले कर सकते हो। एंड आप लोग को नेक्स्ट चीज मैं बताने वाला हूँ जो कि है यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आप लोग को बैटल करके, ओके। तो कहाँ गया वो बाल्बासोर, उसकी भैंस क्या ये रहा, तो तू जाएगा कहाँ भाई, रुक जा, इसको एक मारना है आप लोग को, एक मारना है कंपास से, ओके। कंपास पकड़ना भूल ही गया था। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप लोग कंपास से मारना है एंड यहाँ पर फाइट आप लोग की स्टार्ट हो जाएगी एंड यहाँ पर आप लोग वेट कहाँ गया भाई अपना पिकाचू, डर के भाग गया क्या बाल्बासोर लेवल 9 सिम्स। ओ वेट, उसका लेवल नहीं है भाई लड़ने के लिए, मतलब भाई लेवल थोड़ा ज़्यादा है शायद से हमारे पिकाचू से। सामने की तरफ हम लोग को पिडजोर दिख चुका है एंड ये जियोडूड है ना, हाँ ये जियोडूड ही है। और चल ए रुक, तेरी भैंस यार, रुक जा भाई कहाँ गया,
तो यहाँ क्राउच करते हैं हम लोग, पिकाचू को अपना हम लोग बाहर निकालते हैं टेक आउट, एंड इसी के साथ चलते हैं अपने ग्रेवलर के पास। रुक तेरी भैंस, क्या फाइट स्टार्ट हो चुकी है गाइस। जैसे कि आप लोग देख सकते हो अपना पिकाचू यहाँ पे हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ऑल राइट, यहाँ पर पिकाचू पे जैसे क्लिक करूंगा मैं, यहाँ पर टैकल, टेल विप और बूस्टर आ जाएगा। तो टेकल पे क्लिक करते हैं हम लोग, एंड यहाँ पर देख सकते हो भाई अपने पिकाचू ने बहुत तगड़ा मारा है उसे, एंड वो यूज़ करेगा यहाँ पर। ओ भाई, उसने भी तगड़ा डैमेज दिया है। तो यहाँ पर फिर से इस पर क्लिक करते हैं हम लोग, टेल विप बूस्टर टैकल ही करते हैं, टैकल ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। एंड इसी के साथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई क्या तगड़ा वाला लगा है भाई उसको। एंड यहाँ पर पिकाचू को ग्रॉल अटैक यूज़ किया है इसने, तो यहाँ पर पिकाचू पर क्लिक करते हैं, एंड यहाँ पर बूस्टर अटैक करते हैं और देखते हैं भाई बूस्टर में क्या है खास। ऑल राइट, तो यहाँ पर पिकाचू ने कुछ तो बूस्ट किया अपने आप को, एंड यहाँ पर फिर से अटैक करते हैं हम लोग, यहाँ पर टैकल अटैक। ऑल राइट, तो यहाँ पर टैकल अटैक ही है हमारे पास, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पर उसे डैमेज तो हुआ है पर उतना ज़्यादा भी डैमेज नहीं हुआ है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग टैकल अटैक करते हैं। ऑल राइट, तो लगा है उसे बहुत गंदे वाला, एंड यहाँ पर आप तो देख सकते हो उसकी डैमेज लो हो चुकी है पूरी की पूरी, एंड मुझे लगता है कि हम लोग जीत जाएंगे। ओ भाई, सामने देखो एविसोर है, कितने सारे पोकेमोन आ चुके हैं रात के टाइम में। यहाँ पर टैकल अटैक हम लोग फिर से करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पर देख सकते हो उसे लगा है बहुत गंदे वाला। ऑल राइट भाई, हमें भी बहुत गंदा लगा है। तो यहाँ पर हम लोग बूस्टर अटैक, बूस्टर एक ही बार साइड से मिलते हैं हमें, यहाँ पर वो फिर से यहाँ पर अटैक करते हैं। ऑल राइट, मुझे नहीं लगता है जीत पाएंगे, बट ये जॉम्बी कहाँ से आ गया। अबे नमूने, तेरी कमी थी भाई। निकलना भाई, क्यों, क्या दिक्कत है। अबे मार ले भाई, कैसा पिकाचू है भाई, क्या नमूना है भाई मेरे पास पिकाचू है कि क्या है। तो मेरे पीछे पीछे आ रहा है, रुक जा भाई, मार ले उसे, उसे मार ले, वो अपना भाई बंधु ने। अबे नहीं जाई, नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लड़ना है, निकलो निकलो। अबे यार यहाँ पे स्क्वाडल है, अबे एंडरमैन भी आ गया भाई रात में। नहीं 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 नहीं, मारियो मत, मारियो मत, प्लीज 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 भाई, जा रहा हूँ मैं यहाँ से, जा रहा हूँ। अबे स्पाइडर कुछ मत करियो, प्लीज स्पाइडर भाई नहीं है, प्लीज ना यार, मत करना ऐसे यार, प्लीज ना। मैं जा रहा हूँ इस वर्ल्ड से ही बाहर जा रहा हूँ भाई, मैं GTA की दुनिया में जा रहा हूँ। ओके गाइस, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आप लोग को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें बाकी है मुझे पता है, तो वो आप लोग खुद से डिस्कवर करना। आप लोग के सामने कहीं भी मतलब मैप के अंदर एक पोकेमोन सेंटर आ जाएगा, वहाँ पर आप लोग रेस्ट कर सकते हो। और पीछे देखो यार, वहाँ पर एक वो है विलेज, कितना प्यारा लग रहा है। इस वीडियो को एंड करने के बाद मैं वहीं जाऊँगा। तो अगर आप लोग को ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और सबसे मेन बात मैं आप लोग को बता देता हूँ गाइस, कि आप लोग को इसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, सब कुछ कैसे करना है, आप लोग कुछ नहीं करना। आप लोग को मैंने जो लिंक दिया है कमेंट बॉक्स में, उस पर आप लोग क्लिक करना, आप लोग बिहेवियर पैक और रिसोर्स पैक तो डाउनलोड करना ही करना, साथ ही साथ आप लोग वहाँ पर जाकर बेस फाइल को इंस्टॉल कर लेना। अगर आप लोग को प्रॉब्लम है इंपोर्ट करने में, या फिर आप लोग का वो अभी जो नया एंड्रॉयड का प्रॉब्लम आया है एंड्रॉयड 13 के लिए वो आता है, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में ही एक लिंक दे दूंगा मैं, कि आप लोग को फाइल कैसे इंपोर्ट करनी है, उसकी भी लिंक मिल जाएगी वीडियो की। एंड उसी के नीचे आप लोग को मैं और एक लिंक दे दूंगा कि आप लोग को लिंक्स को कैसे ओपन करना है, ओके, एंड कैसे करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। मैं सब कुछ बनाकर बता दिया हूं उसमें, तो वो आप लोग चेकआउट कर लेना। साथ ही साथ अगर आप लोग को ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और मैं शायद सब कुछ बता चुका हूं, और अगर आप लोग को ये वाली वीडियो अच्छी लगी ना भाई, तो प्लीज़ यार लाइक कर ही देना, ताकि मैं और भी ऐसी मस्त मस्त कंटेंट बना सकूं। और अगर आप लोग को इसके ऊपर एक पूरा का पूरा सीरीज चाहिए पिक्सल मोड के ऊपर, तो मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना, ओके। तो चलो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।